हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। सो लेट्स स्टार्ट। The first question is, solve the following equation. X minus 2 equals to 7. So here, इसमें हम values को एक तरफ कर देंगे और variable को एक तरफ. So here, x 7 और जब 2 उधर जाएगा तो minus plus में convert हो जाएगा, plus 2. So the answer is x equals to 9. Then our second question, y plus 3 equals to 10. तो आप y को यहीं रहने दीजिए और 3 को उधर ट्रांसपोर्ट कर दीजिए. So 10 plus का 3 उधर जाके minus 3 में कन्वर्ट हो जाएगा. Then y equals to 7. Then है 6 equals to z plus 2. Six को यहीं रहने दीजिए और ये वाली डिजिट को आप लेफ्ट साइड पे ले आइए. So plus minus में कन्वर्ट हो जाएगा. Minus 2 equals to z. So 4 equals to z. तो हमारी वैल्यू z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. Then fourth question is 3/7 plus x equals to 17/7. x को हम यहीं रहने देते हैं. 17/7, 3/7 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. माइनस 3/7. हियर डिनोमिनेटर आर सेम, सो वी कैन राइट 17 माइनस 3. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 14/7. 7 ones are 7, 7 twos are 14. So x equals to 2. Fifth is 6x equals to 12. So we can write x 12. जब 6 उधर transfer होगा तो वो divide में आ जाएगा. Divide by 6. 6 ones are 6, 6 twos are 12. So x will be 2. t/5 equals to 10. Next question is t/5 equals to 10. So you have to write t, then 10 into 5. So t ki value aa jayegi 50. Seventh question, 2x/3 equals to 18. So here 2x equals to 18 into 3. 2x, 18 into 3 equals to 54.
सो एक्स इक्वल्स टू 54 अपॉन 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14. वैल्यू ऑफ एक्स इज 27. क्वेश्चन नंबर 8. 1.6 इक्वल्स टू वाई अपॉन 1.5. सो हेयर 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू वाई. जब हम 1.6 का 1.5 में इंटू करेंगे तो आएगा 2.4. तो हमारी y की वैल्यू जो होगी वो होगी 2.4. नाइन्थ क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16. हम 7x को यहीं रहने देते हैं और 9 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. 16 माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा. 7x 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25. तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 7. क्वेश्चन नंबर 10. 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13. 14y को हम यहीं रहने देते हैं, 8 को हम राइट साइड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. 13 माइनस का 8 प्लस के 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. 14y 13 प्लस 8 इक्वल्स टू 21. देन y इक्वल्स टू 21 अपॉन 14. 7 2s are 14, 7 3s are 21. सो y इक्वल्स टू 3/2. तो हमारी जो y की वैल्यू होगी वो होगी 3/2. क्वेश्चन नंबर 11. 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9. 6p को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं. 9 प्लस 17 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 17 में कन्वर्ट हो जाएगा. देन 6p 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस 8. तो हमारी p की वैल्यू क्या होगी? p इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 6. 2 4s are 8, 2 3s are 6. तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/3. क्वेश्चन नंबर 12. x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7/15. x बाय 3, 1 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं. 7 अपॉन 15 प्लस 1 कन्वर्ट इनटू माइनस 1. अब हम एलसीएम ले लेते हैं. 15 और 1 का एलसीएम 15. देन 15 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में. 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 7. 1 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 15 टाइम्स में. 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 15. सो x बाय 3, 7 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 8/15. Here we are doing cross multiplication. -24. So x equals to -24/15. So x equals to 3 5s are 15. 3 8s are 24. तो x की वैल्यू आ जाएगी -8/5. यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है.